नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ, मैं मानसा मलिक। शुरुआत कर रहे हैं शिवसेना ने किस तरह से अपने अखबार दोपहर का सामना के जरिए मोदी सरकार पर आरोप लगाया है। अखबार ने लिखा है कि जिस तरह से चीन और रूस में जिनपिंग और पुतिन ने लोकतांत्रिक तरीके से उम्र भर के लिए सत्ता पर कब्जा किया, हिंदुस्तान में भी वैसा ही हो रहा है। दोपहर का सामना ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार उम्र भर के लिए सत्ता हासिल करने की साजिश रच रही है और इसके लिए ईवीएम को जरिया बनाया है। सामना का आरोप है कि कबाड़ ईवीएम के इस्तेमाल से लोकतंत्र और चुनाव को कबाड़ खाने में फेंकने की साजिश हो रही है। ये डेमोक्रेसी और हमारी देश का चुनाव कोई रिमोट कंट्रोल से चला रहा है क्या? किसी के हाथ में उसका रिमोट है और चला रहा है? ये गुलाम बन गया है चुनाव आयोग, एजेंट है पॉलिटिकल पार्टीज के। इस तरह से अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा तो ये देश में अराजक फैलेगा। ये इशारा नहीं है, ये धमकी समझिए। जनता आप सहन नहीं करेगी। पैसे का खेल चलता है, ईवीएम का खेल चलता है, जो चाहे मनमानी आप करोगे, चाहे सरकार किसी की भी। और वहीं बीजेपी नेता राम कदम ने कहा है कि शिवसेना ने चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। पार्टी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की। लोकतंत्र को तवायफ कहना, ये देश के 130 करोड़ देशवासियों का अपमान है। इसलिए हम इलेक्शन कमीशन से मांग करते हैं कि वे लोकतंत्र को तवायफ कह रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन को तवायफ कह रहे हैं। इससे उनकी बुद्धि क्या है, वो किस स्तर पर जा रहे हैं, यह दर्शाता है। इलेक्शन कमिश्नर उनके ऊपर तुरंत से तुरंत कड़ी कार्रवाई करे और उन्हें, इस देश के लोकतंत्र को जो तवायफ कहता है, उन्हें अपनी जगह दिखाए।